विज्ञान एक ऐसा विषय जिसने हमें इस दुनिया को समझने में मदद की है। विज्ञान की मदद से मनुष्य ब्रह्मांड को जान सका। विज्ञान की मदद से मनुष्य के मन में जिज्ञासाएं पैदा हुई और इन्हीं जिज्ञासाओं ने हमें कई प्रश्न दिए। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें विज्ञान देता है, जिससे हम और आधुनिक बनते हैं। वर्तमान में हम विज्ञान के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं। आधुनिक विज्ञान में कई सारे सिद्धांत हैं जो हमें पूरी तरह अचंभे में डाल देती है। कुछ थियोरीज ब्रह्मांड के वास्तविकता को चुनौती देती है, तो कुछ थियोरीज के अनुसार हम एक ब्लैक होल के अंदर रहते हैं। मगर कैसा होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी भी जगह है जहां हूबहू आपके जैसा दिखने वाला शख्स रहता है, जो दिखने और सुनने में बिल्कुल आप ही के जैसा है। क्या आप मानोगे? क्या ऐसा होना मुमकिन है? वेल, विज्ञान के अनुसार कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मल्टीवर्स, आपने इसके बारे में सुना होगा। मल्टीवर्स के सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की तरह कई सारे अन्य ब्रह्मांड हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, क्योंकि या तो वे हमसे बहुत ही दूर मौजूद है या फिर वे दूसरे डायमेंशंस में यानी आयामों में है जिन्हें हम देख नहीं सकते। क्योंकि मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं, इस कारण वैज्ञानिक मानते हैं कि हर संभव घटना का हो पाना किसी न किसी ब्रह्मांड में बिल्कुल संभव है। यानी आप अपने जीवन के हर संभव विकल्प के साथ जी रहे हो अलग अलग ब्रह्मांडों में, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप अपने मौजूदा विकल्प के जरिए जी रहे हो। इन यूनिवर्स को पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड कहा जाता है। समानांतर ब्रह्मांड का विचार असल में किसी साइंस फिक्शन मूवीज से नहीं लिया गया था, बल्कि इसे वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांतों में गहरी एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इस विचार को रखा है कि पैरेलल यूनिवर्सेस हो सकते हैं। यानी ये महज एक कल्पना का विषय नहीं है। साल 1954 में अमेरिकन भौतिक शास्त्री ह्यूज एवरेट ने मैनीवर्स इंटरप्रिटेशन के विचार को रखा। उनका कहना था कि क्वांटम लेवल पर पड़ने वाले इफेक्ट्स ब्रह्मांड को लगातार विभाजित करती है। वेल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर वो चीज जो आप करते हो, आपके द्वारा किए गए प्रत्येक क्रिया एक नए ब्रह्मांड को जन्म देता है, और प्रत्येक नए ब्रह्मांड में आपके लिए गए निर्णय के अनुसार अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं और उनका अलग अलग रिजल्ट्स निकलता है। उदाहरण के लिए, आप रास्ते में एक डाइवर्जन पे खड़े हो। यहाँ से आपको या तो दाएं जाना है या फिर बाएं। इस जगह पर ब्रह्मांड आपके निर्णय के अनुसार दो भागों में विभाजित हो जाएगा, जिसमें से एक में आप दाएं जाओगे और दूसरे ब्रह्मांड में आप बाईं ओर जाओगे। यानी यहाँ हर संभव घटनाएं घटेंगी, लेकिन आप इसे महसूस नहीं कर पाओगे, ना ही इस ब्रह्मांड में और ना ही दूसरे ब्रह्मांड में। ह्यूज एवरेट ने अपने इस विचार को क्वांटम लेवल पर गहरी पढ़ाई करने के बाद रखा था। उनके इस सिद्धांत के अनुसार हम सब एक मल्टीवर्स में रह रहे हैं जहाँ अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद है, और वहाँ उन ब्रह्मांडों में हम सभी के हूबहू प्रतिरूप रहते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाई करने वाले सारे वैज्ञानिक इसे सही नहीं मानते हैं। जाने माने वैज्ञानिक नील बोर्स, जिन्होंने एटम के बोर मॉडल को बनाया था, वे इस बात से सहमत नहीं थे कि हमारे प्रत्येक निर्णय की वजह से ब्रह्मांड कई भागों में विभाजित हो जाती है। लेकिन इसे पूरी तरह नकारना भी सही नहीं होगा। पैरेलल